गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग अब आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो यूनिट चल रहा है उस यूनिट का ये सेकंड चैप्टर होगा। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड। इस चैप्टर से 1 to 2 क्वेश्चन नीट में रहते हैं। ये चैप्टर में एक्चुअल में हम लोगों को एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, यानी इसमें हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखेंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखेंगे, फिर एनिमल हस्बेंड्री, ये पूरा चीज जो है वो देखेंगे हम लोग, और प्लांट ब्रीडिंग हम लोग देखेंगे। तो ये जो डे बाय डे हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, उस पॉपुलेशन के फूड के और न्यूट्रिशन के नीड को पूरा करने के लिए यह दो तरह का, यानी कि एक एनिमल ब्रीडिंग और दूसरा प्लांट ब्रीडिंग का मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों ने डेवलप किया, ताकि ये जो इतना ओवर क्राउडेड ये जो हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन होते चला जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब कि उसके न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करना। अगर न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं करेंगे तो भुखमरी होगी, लोगों का न्यूट्रिशनल नीड पूरा नहीं होगा तो उसमें माल न्यूट्रिशन होगा, डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस तरह से एक कंट्री के लिए यह सब हेल्दी, जब तक है किसी कंट्री का पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगा तो वहां से ना कोई एक अच्छा क्रिकेटर बन के निकलेगा, ना कोई एक अच्छा एक्टर बनेगा, ना कोई अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। तो कैसे, यानी आप खुद में, ये कंट्री क्या है, ये कंट्री एक फैमिली है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपके घर में दो वक्त का खाना भी अगर सही से नहीं निकलेगा तो बहुत मुश्किल होता है कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाना। उसी तरह उस कंट्री है, कंट्री का मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर दो वक्त का खाने या न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर पाएगा तो उस कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी कंट्री के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए दो तरह के ये जो, यानी कि कौन सा, तो एक एनिमल ब्रीडिंग और दूसरा प्लांट ब्रीडिंग को डेवलप किया गया। तो चाहिए चलते हैं इसके रिलेटेड बातों को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग पूरा का पूरा एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग प्ले मेजर रोल इन टू इंक्रीज फूड एंड प्रोडक्शन। एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग प्ले ए मेजर रोल टू इंक्रीज फूड प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज, या तो एनिमल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग, तो जो किसी पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हुआ कि जो लाइफ स्टॉक होते हैं, लाइफ स्टॉक करने का मतलब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, उनका ब्रीडिंग, उनका फीडिंग और उनसे उनके हाउस कीपिंग का जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, ताकि वो जितना ज्यादा डोमेस्टिकेटेड एनिमल बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें लाइफ स्टॉक मिलेगा, यानी उतना ज्यादा हमें उससे मीट मिल सकता है, उतना ज्यादा हमें उससे मिल्क मिल सकता है, तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारा पूरा होता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज
ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ फीडिंग ब्रीडिंग हाउसिंग एंड हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। तो ये सारा चीज जो है यानी ब्रीडिंग फीडिंग हाउसिंग और उसके हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सारे चीज का मैनेजमेंट जो देखते हैं तो जिसमें हम लोग ये चीज करते हैं यानी अब ये भी एक तरह से एग्रीकल्चर हुआ तो इसमें हम लोग एनिमल्स से रिलेटेड एग्रीकल्चर करते हैं तो वो क्या कहलाया उसी को कहेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए लाइफस्टॉक का मतलब हुआ कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उस डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे इंक्लूड हो गया काउ हो गया सीप हो गया हेन हो गया तो ये एक्सेट्रा जो भी है तो वो सभी जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो इसमें इंक्लूड हो गया काउ सीप गिफ्ट बाई ह्यूमंस फॉर यूजफुल कमर्शियल पर्पस। ओके मोर देन 70% पूरे वर्ल्ड का 70% से ज्यादा जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो इंडिया और चाइना में है लेकिन ये उसके प्रोडक्ट का पूरे वर्ल्ड का जो एनिमल प्रोडक्ट है उसका सिर्फ 25% हिस्सा ही यह बना पाता है कितना टोटल वर्ल्ड का 70% है लेकिन ये प्रोड्यूस कितना करते हैं पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का तो सिर्फ 25% करते हैं तो ये एक डिफरेंस है बड़ा क्योंकि उस क्वालिटी के यहां पर वो एनिमल जैसे काउ की ही बात करें तो यूरोपियन कंट्री के जैसे डेनमार्क वगैरह के जो काउ है काउ डेनमार्क में बोलते हैं कि वहां दूध की नदी बहती है ऐसे बहुत सारे जो मिल्क की क्वालिटी है जो हम लोग पीते हैं वहां पर उसे बहा दिया जाता है जर्सी गाय का हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं जर्सी गाय के मिल्क को वो लोग पॉइजन के रूप में लेता है उसे मानता है कि वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है उसे बहा देते हैं बताइए तो ये डिफरेंस है तो मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया इंडिया एंड चाइना तो ये दो जगह है इंडिया और चाइना में है बट देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25% अब हमारा हेडिंग है रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन
ह्यूमन वेलफेयर। तो क्या क्या है, जैसे फर्स्ट में देखिए डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो डेयरी प्रोडक्ट में है मैमेलियन, लाइवस्टॉक कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ मिल्क, पनीर, चीज जितना भी यूज करते हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट में आप सब चीज यूज करते हैं, डेयरी फार्म से जितने भी है, पेड़ा आता है, आइसक्रीम आ जाता है डेयरी फार्म से इंक्लूड होकर के, पनीर आता है, घी आता है, मावा खोवा, ये जितने भी चीज हैं, यानी दूध से रिलेटेड बने हुए प्रोडक्ट जैसे द डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारा चीज जैसे चीज, योगर्ट, बटर, आइसक्रीम, किटसी। सेकंड में मीट में यूजफुल फॉर्म ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी, डाइटरी प्रोटीन एंड, तो जो मीट का यूज किया जाता है किसी भी एनिमल का, चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, ये सब जो भी वर्ल्ड में जनरली चार का सबसे ज्यादा यूज होता है, इन चार में से भी जो सबसे ज्यादा चिकन और मटन का, चिकन को व्हाइट मीट बोलते हैं और मटन को हम लोग रेड मीट बोलते हैं। तो ये चिकन और मटन का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो यूजफुल फॉर्म ऑफ, और वो जो मीट होता है वो क्या है, तो वो मेन रूप से प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है मीट के बाद। थर्ड में देखिए लैंड मैनेजमेंट, लैंड जो कुछ ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो वीड वगैरह को खा करके लैंड को मैनेज करने का काम करते हैं, तो ये उसके पर्पस को भी पूरा करता है। द ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज समटाइम्स यूज टू used to control weed। फिर नेक्स्ट है फाइबर, और उसके बाद में है फर्टिलाइजर, तो उसके पर्पस को भी पूरा करता है। यानी एनिमल हस्बेंड्री का क्या क्या रोल है हमारे लिए, यानी ये कैसे ह्यूमन के लिए वेलफेयर के रूप में काम आता है, वो सारा चीज हम लोग देख रहे हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं जो मेडिकल में, ये एनिमल के सोर्स से मिला हमें, मीट हम लोग एनिमल के सोर्स से लेते हैं, लैंड मैनेजमेंट में भी काम आया, और जैसे फाइबर तो शीप एंड गोट से हम लोग क्या करते हैं, वूल बनाने का तैयार करते हैं, उनसे काट करके वूल तैयार करते हैं, तो वो फाइबर के रूप में यूज हुआ। देखिए तो लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ फाइबर, फाइबर
sheep or goat. तो उसके बाद में फर्टिलाइजर. तो जो एनिमल मैन्योर है वो एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है. मैन्योर कैन बी स्प्रेड ऑन. मैन्योर कैन बी स्प्रेड ऑन फील्ड टू क्रिएट इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड लेबर. तो लेबर के रूप में भी कैसे, तो जो डंकी हो गया या फिर हॉर्स हो गया, याक हो गया, ये सब का हम लोग एज ए लेबर के रूप में यूज करते हैं. सामान को लाने ले जाने का काम किया हॉर्स डंकी खास करके, तो वो चीज जो है वह तो हॉर्स डंकी एंड या कैन बी यूज फॉर मैकेनिकल एनर्जी. हॉर्स डंकी या कैन बी यूज फॉर मैकेनिकल एनर्जी. Can be used for mechanical energy. तो ये जो होगा वह यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे कैसे किस तरह से आता है, तो वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया है. ठीक, अब इसके बाद में जो है वो हम लोग बारी बारी से मैनेज, ये जो जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे. तो अब हमारा हेडिंग होगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट. जब तक मैं थोड़ा इंक डाल लूं, मेरे मार्कर को भी प्यास लग गई है. अगर आपको भी प्यास लगी है तो आप ही थोड़ा पानी पी सकते हैं, थोड़ा नहीं पूरा पी सकते हैं. चलिए जब तक हम लोग इसे हेडिंग देते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट. ठीक, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट आइए इसमें क्या क्या है. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब कि जो हम लोग डेयरी करते हैं और उसमें उनकी फीडिंग, उनकी ब्रीडिंग, उनकी हीडिंग, उनका प्रॉपर केयर, हाइजेनिक, उनका हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सारा चीज जो हम लोग प्रॉपर अरेंज करके और उससे हम लोग लाइफ स्टॉक से मिलने वाले प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेयरी फार्म मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी को तैयार करते हैं और उस किसी काम को प्रॉपर वे में करके, यानी कम से कम टाइम में और कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा किसी चीज का हम लोग प्रोडक्शन यानी आउटपुट जितना ज्यादा ले सकते हैं, डेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. अब ये मैनेजमेंट वर्ड जो है वो डेयरी फार्म में लगा. तो यानी डेयरी फार्म में क्या क्या आते हैं, मिल्क और मिल्क से बनने वाले यानी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं. तो कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा सकें, इसी को और कुछ नए इनोवेटिव आइडिया के साथ में, डेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. तो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो गया. चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, डेयरी इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मैनेजमेंट ऑफ
एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स for human consumption. Cow, sheep, buffalo, goat and sheep are related to dairy. Kaun? Cow, sheep, goat, buffaloes are related to, but main रूप से जो होते हैं वह cow और buffaloes हैं। Sheep और goat का इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनसे भी हमें milk मिलता है, इस वजह से। अब आइए, तो cow का जो cow milk is yellowish, the cow milk is yellowish due to carotene. Carotene does not present in buffalo milk. गाय का मिल्क थोड़ा येलोइश कलर का दिखाई देता है क्योंकि उसमें कैरोटीन होते हैं, लेकिन बफेलो के मिल्क में नहीं है। ऐसा इसलिए कि काउ के मिल्क में, यानी काउ के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कैरोटीन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, लेकिन बफेलो में रूमिनेंट यानी कि जो उसका जो कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो काफी लंबा होता है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसीलिए काउ के मिल्क में जो है वह हमें ये चीज नहीं मिलता है, यानी कि वो येलोइश कलर का नहीं होगा। काउ बफेलो मिल्क जो है वो कम्प्लीटली व्हाइट दिखाई देगा, जबकि काउ मिल्क थोड़ा येलोइश दिखाई देता है, तो उसकी वजह में रीजन यही है। तो वह क्या है, कैरोटीन है। द प्रोसेस एंड सिस्टम द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज That increase is yield and milk quality. तो वो प्रोसेस और सिस्टम जिससे मिल्क और मिल्क की क्वालिटी बढ़ती है वो कौन कौन है, उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट में मेथड फॉर लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट, तो मेथड फॉर लाइफ ऑफ इम्प्रूवमेंट में फोर चीज इंक्लूड होते हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग एंड हीडिंग। फोर चीज क्या क्या इसमें इंक्लूड है, हम कह रहे हैं ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग एंड हीडिंग, ये चार चीज इंक्लूड है। तो ब्रीडिंग का मतलब हो गया क्या, कि सुपीरियर क्वालिटी के मेल और फीमेल उसका सिलेक्शन करना,
किस लिए? अगर हम उससे क्या कराना चाहते हैं, ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो। जैसे देखेंगे फर्स्ट में, तो बोथ मेल एंड फीमेल सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, बोथ मेल एंड फीमेल सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, फॉर ब्रीडिंग शुड बी सुपेरियर क्वालिटी should be superior quality should be superior quality should be superior quality each animal should be feed on balanced diet. तो second में क्या है हमारा, feeding है। तो हर animal जो है वो balanced diet लेगा तभी healthy रहेगा। Each animal should be taken balanced diet. Should be taken balanced diet. इकोनॉमिक एनिमल सी में, यानी कि अब हम लोग किसको, तो ब्रीडिंग को देख रहे थे। जो अनइकोनॉमिक एनिमल है उसको हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। अनइकोनॉमिक एनिमल मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। अनइकोनॉमिक एनिमल मस्ट बी prevented from reproducing, must be prevented from uneconomic, must be prevented from reproducing. तो उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगे। अब लास्ट में हमारा क्या है, ब्रीडिंग के बाद में ये ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन और क्लीनिनेस को, यानी कोई जिस एरिया में हो वो एरिया प्रॉपर वे में क्लीन हो, उस चीज को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड फीडिंग। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर क्लीनिनेस एंड हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर क्लीनिनेस एंड हाइजीन, हेल्थ केयर हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये सॉरी हेल्थ केयर अब आइए। तो ये जो फर्स्ट हम लोग देखे थे मेथड ऑफ लाइफ स्टॉक, ये वन था, वन के बाद में ये हेल्थ केयर, ये हेल्दी एनिमल ईट ड्रिंक एनिमल ईट ड्रिंक्स एंड स्लीप वेल, एंड स्लीप वेल स्लीप वेल रेगुलरली सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, एट वन suitable circumstances
सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन को सुटेबली मेंटेन करके रखना है, रेसिस्टेंट टू डिजीज, यानी कि जो एनिमल है वो रेसिस्टेंट टू डिजीज होगा तभी सही से सर्वाइव करेगा, रेसिस्टेंट टू डिजीज, और फिर रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है वह क्या है, ये प्रोसेस एंड सिस्टम है जिसके वजह से इंक्रीज यील्ड एंड मिल्क क्वालिटी। तो इतना सारा चीज अगर मैनेज करेंगे तो मेथड टू लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट, ये इस पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग हेल्थ केयर पे क्या काम करेंगे, सुटेबल एनवायरमेंट देंगे और एनिमल रेसिस्टेंट टू डिजीज होगा और रेगुलर इंस्पेक्शन इस चीज का हम लोग करते रहेंगे, तब जाके हमें सुपीरियर क्वालिटी का मिल्क और साथ ही साथ हाई यील्ड में मिलेगा। ओके, तो ये सारा चीज जो हुआ वो मैनेजमेंट है, यानी किसका, पोल्ट्री फार्म में इतना काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म हुआ, डेयरी फार्म के बाद में पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। देखिए, जो टर्म पोल्ट्री है उस पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड, चिकन, डक, फिर टर्की, गूज, ये जितने भी हैं वो सारे चीज रिलेटेड होते हैं पोल्ट्री में। लेकिन इन आवर कंट्री इंडिया में हम लोग पोल्ट्री का मतलब चिकन समझते हैं, और किस लिए, तो उसके मीट और उसके अंडे के लिए समझते हैं। पोल्ट्री फार्म का मतलब इंडिया में यानी हमारे कंट्री में चिकन से है, यानी हेन से रिलेटेड है बस। लेकिन ऐसे पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड मैनेजमेंट करना। ओके, तो पोल्ट्री यूज फॉर बर्ड्स। पोल्ट्री यूज फॉर बर्ड्स, ठीक है। तो टर्म अप्लाइज टू स्पीशीज के लिए, अप्लाइज टू चिकन, टर्की, डक, चिकन, टर्की, डक, गीत, स्वान, गीत, स्वान, बुनिया, फाउल, फाउल पिजन, पिजन। तो ये सारा चीज जो है वो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से, ये सारे चीज पे जब हम लोग बुनियादी इनके इंप्रूवमेंट में जो काम करते हैं डेट इज पोल्ट्री फार्म है, ठीक है। तो ये चीज जो है उसी से रिलेटेड है। लेकिन हम क्या कह रहे थे कि बट इन आवर कंट्री इट मीन्स फॉर चिकन, फॉर मीट एंड एग, क्या यहीं से, बट इन आवर कंट्री इट मीन्स चिकन फॉर मीट एंड एग। अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, फर्स्ट में देखिए सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, फर्स्ट में सिलेक्शन ऑफ
ब्रीड। तो कौन से ब्रीड से हमें किस क्वालिटी का मीट और किस हाई क्वालिटी का एग मिलेगा, इसका सिलेक्शन करना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिंगल फॉर्म व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट सिंगल फॉर्म व्हाइट लेग हॉर्न एंड इट्स वेरियस स्ट्रेन एंड इट्स वेरियस स्ट्रेन्स यूज्ड फॉर एग एंड पॉलीमॉथ रॉक। ये सब हेन के वेराइटी का नाम है। कौन कौन सा? तो सिंगल फॉर्म व्हाइट लेग हॉर्न एंड इट्स वेरियस स्ट्रेन किसके लिए यूज होता है? तो एग के लिए। उसी तरह पॉलीमॉथ रॉक कॉर्निश एंड न्यू हैम्पशायर ब्रीड ऑफ हॉल। सेकेंड में देखिए ब्रूड हाउस। लाइन कट गई है, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मेरे लिए है, आई थिंक आपके लिए नहीं होगी। देखिए ब्रूडर हाउस शुड बी क्राउड ब्रूडर हाउस शुड बी ब्रूडर हाउस शुड बी क्राउड फ्री रेन प्रूफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स। सैनिटेशन एंड हाइजीन थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग। सैनिटेशन एंड हाइजीन सैनिटेशन एंड हाइजीन में यानी वही अच्छे से क्लीनिनेस को मेंटेन करना। द हाउस शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड, जहां हम लोग इसको रखते हैं वह the house should be clean and disinfected। केयर ऑफ चिक्स, यानी जो मुर्गी का बच्चा लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा को लाते हैं यानी चिक्स को लाते हैं, तो सबसे पहले उसे स्वीट वाटर दिया जाता है। यानी एक लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ मिला करके, गुड़ जो गन्ने से तैयार होता है, शुगर केन से, तो एक लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ मिला करके देते हैं।
उसके बाद उसे दलिया गेहूं का या मेज का दलिया दिया जाता है, और तब जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद में उसके वाटर में विटामिन्स वगैरह मिला करके उसे दिया जाता है ताकि वह उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। घी गुड़ 50 ग्राम पर लीटर, घी गुड़ एंड मेज दलिया, मेज दलिया देन लेटर विटामिन्स थ्रू वाटर। तो उसे हम लोग विटामिन भी देते हैं, उसके पानी पीने वाले पानी में मिला करके ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स कर देते हैं। तो मोटा मोटी ये बात हुई, उसको आप समझिए थोड़ा सा। उसके बाद में देखो लाइट मैनेजमेंट, पोल्ट्री में लाइट का होना ज्यादा जरूरी है। अगर अंडा आप चाहते हैं, एग चाहते हैं, तो उसके लिए लाइट 15 से 16 घंटे लाइट प्रॉपर वे में रहना चाहिए, तब जाकर के सही से अंडा मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए लाइट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। लाइट मैनेजमेंट 15 to 16 आवर लाइट इज नेसेसरी फॉर एग, तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है एग के लिए। समर मैनेजमेंट देखो, मुर्गी के ऊपर आप जानते हो कि थिन फीडर होता है, ऑलरेडी अगर उसको वो ठंडे से तो थोड़ा अपने आप को बचा लेता है लेकिन गर्मी से नहीं बचा पाता है, तो हीट मैनेजमेंट करना बहुत, यानी समर का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर पोल्ट्री फार्म का भी जाएंगे तो देखेंगे गर्मी के दिनों में फैन वगैरह का एडजस्टमेंट किया रहता है, पंखा चलते रहता है, तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर से यानी ज्यादा हीट वगैरह से बचा के रखना भी जरूरी होता है। तो वह होता है समर मैनेजमेंट। तो बर्ड्स कैन विस्टैंड, बर्ड्स कैन विस्टैंड कोल्ड बट आर मोर सेंसिटिव टू हीट। विंटर मैनेजमेंट, विंटर मैनेजमेंट में तो हमेशा उसको टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चाहिए, 15 से जैसे ही नीचे जाने लगेगा वो मरना स्टार्ट हो जाएगा ठंडे की वजह से। तो वो हुआ विंटर मैनेजमेंट, मेंटेन टेम्परेचर एवर मेंटेन टेम्परेचर अबव 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस इतना तक हो गया। अब चिकन के कुछ ब्रीड, 3 ब्रीड को हम लोग देखेंगे, देसी ब्रीड को, अमेरिकन ब्रीड को और इंग्लिश ब्रीड को। तो उस अलग अलग ब्रीड में उसका अलग अलग नाम होता है, तो उसके नाम को हम लोग देखेंगे। ये सारा चीज हमारा हो गया, तो ओके। तो अब हम लोग चिकन के ब्रीड को देखने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रीड अलग अलग होना जो है वह इम्पोर्टेंट है।
उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड का नाम आपको याद भी रखना है। सम ब्रीड्स चिकन, तीन ब्रीड अलग अलग देखेंगे हम लोग, देसी, अमेरिकन और इंग्लिश ब्रीड, देसी, अमेरिकन एंड इंग्लिश। जैसे एसिल, चिटगांव, मलाई भी बोलते हैं इसको, चिटगांव को CHIGONG, ठीक। छागस, बुरसा, उसके बाद में है टेनिस, कारकनाथ, तितरी, गैलॉस, डंकी, तितरी, गैलॉस, डंकी। इसमें इंपॉर्टेंट आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक। कारकनाथ आपको याद रखना है, बुरसा आपको याद रखना है, ये तीन चार इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से याद रखिए। उसके बाद अमेरिकन में पॉलीमथ रॉक, जो मीट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, वियान डॉटे, रोडे, इजलैंड रेड, रेड जर्सी, ब्लैक गेंट, न्यू हैम्पशायर, एशियाटिक ब्रीड, ये एशियाटिक ब्रीड हुआ। एशियाटिक ब्रीड में है ब्रह्मा, ऑस्ट्रालॉर्प, डॉर्किंग, रेड कैप, मेडिटेरियन, टीई, मेडिटेरेनियन, और ये मेडिटेरियन ब्रीड है। मेडिटेरियन ब्रीड में लेग हॉर्न, अंकोना, अंडालूसियन, तो ये सब जो हुए वो ब्रीड हुए। यहां पर ये चीज कंफ्यूज ना होइएगा, ये इसके ब्रीड के नाम है। उसी तरह ये एशियाटिक ब्रीड का एक एग्जांपल हमने दे दिया है, तो इस तरह से ये इसके ब्रीड हुए। अब पोल्ट्री फार्म में डिजीज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज। मेन रूप से वायरल और बैक्टीरियल डिजीज जो है जो बहुत सारा नुकसान करता है। बर्ड फ्लू तो आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन है,
ठीक है, एक रानी खेत होता है डिजीज, यानी जो वायरस के थ्रू होता है रानी खेत, ये सब जो है वो पोल्ट्री फार्म में होने वाले डिजीज हैं। तो उनके नाम और उसके पैथोजन का नाम हम लोग इसमें देखेंगे। तो अगर ये आपका हो चुका है तो अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है कौन कौन सा, तो वर्ड पोल्ट्री फार्म के डिजीज, तो डिजीज ऑफ पोल्ट्री हमारा हेडिंग होगा। डिजीज ऑफ पोल्ट्री, डिजीज ऑफ पोल्ट्री कौन कौन से हैं, तो वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में देखिए रानी खेत डिजीज, रानीखेत डिजीज वाई, ये किसके वजह से होता है, तो पारामिक्सो वायरस के वजह से होता है, मारेक्स डिजीज, ये होता है हर्ब्स वायरस से, फिर है फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स होता है पॉक्स वायरस से, एवियन इंसेफेलाइटिस, एवियन इंसेफेलो माइलिटिस, माइलिटिस पिकोना वायरस, पिकोना वायरस से, फिर है बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से। अब कुछ हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के नाम देखेंगे, तो जैसे वायरल डिजीज है उसी तरह से कुछ बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक। बैक्टीरियल डिजीज में देखिए फ्लोरम डिजीज, फ्लोरम डिजीज, साल्मोनेला, साल्मोनेला फ्लोरम, साल्मोनेला फ्लोरम इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस कोरिजा, कोरिजा हेमोफिलास पारागैलिनेरम, हेमोफिलास पारागैलिनेरम, एस्पैरो बोरेलिया। अब कुछ फंगल डिजीज जो पोल्ट्री फार्म में होते हैं, फंगल डिजीज को देखिए एस्परजिलोसिस काफी इंपॉर्टेंट है,
आपको हम बताएंगे इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। एस्पर्जिलोसिस, ब्रूगर निमोनिया इसको कहते हैं, ब्रूगर निमोनिया, एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, सेकेंड में है माइकोसिस, कैंडिडा अल्बिकंस, कैंडिडा अल्बिकंस, ये है प्रोटोजोआ, कोपिडियोसिस, कोपिडियोसिस कोपिडिया से होता है। तो ये हो गया आपका पूरा डिजीज भी, जिसमें आपको रानीखेत बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एवियन इंसेफेलोमाइलिटिस भी आपको याद रखना है, और बर्ड फ्लू तो बहुत पॉपुलर है, फिलोरा याद रखना है आपको, ठीक है। और इसमें एस्पर्जिलोसिस, ये डिजीज, डिजीज का नाम और उसके पैथोजेन का नाम, इसमें ये चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि पॉल्ट्री फॉर्म में ये डिजीज और इस डिजीज के कौन कौन से पैथोजेन हैं, ठीक है। तो ये पॉल्ट्री फॉर्म का हमारा जो बात हुआ वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें हम लोगों ने पूरा चीज देख लिया। तो पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट और साथ ही साथ पोल्ट्री फॉर्म के रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो पूरा बात भी हम लोगों ने देखा है। तो आप फिर से याद करिए, चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लोगों ने पहले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा, एनिमल हस्बेंड्री के बाद में हम लोगों ने फिर डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखा। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको डिजीज नहीं आया था, तो वहां पे आपको वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है देखना, वो नहीं है आपको जानना, ठीक है। तो उसमें आप परेशान ना होइए डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, क्योंकि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मेन रूप से काउ एंड बफेलो का है, एंड काउ एंड बफेलो मैमेलियन है, तो जो बैक्टीरियल डिजीज किसी दूसरे मैमेलियन को होता है उसको भी हो सकता है, तो उसका अलग से कुछ नहीं कराया गया, ठीक है। बट पोल्ट्री फार्म में जैसे यहां पर ये सब जो डिजीज है और ये पार्टिकुलर ऐसे हैं जो इस पोल्ट्री फार्म में यानी कि चिकन वगैरह में ही ये डिजीज होते हैं, तो इसीलिए इसका एक पार्टिकुलर डिजीज का नाम और उसके पैथोजेन का नाम एक जगह कलेक्शन दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, रानीखेत बहुत बार पूछा है, रानीखेत आपको एमसीक्यू बनाया जाएगा, बर्ड फ्लू अभी पॉपुलरली सभी लोग जानते हैं तो उसमें बहुत आता है। तो H5N1 जो है ये आई नहीं है, ये H5N1 है, H5N1 वायरस, H1N1 वायरस, H5N1, फिर आपका स्पेनिश फ्लू, कोरोना, ये सब एक ही फैमिली के जैसे वायरस हैं, बस ये अलग अलग फॉर्म में म्यूटेंट होकर के कुछ और ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। हमारा साइंस जितना डेवलप करता है तो ये भी अपने आप उतना ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, तो वो सब एक म्यूटेशन का अलग पार्ट है, वो सब आगे की चीजें हैं, बट ये समझिए। तो यहां पर ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो यानी कि पूरा का पूरा जो है वो पोल्ट्री फार्म कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।